तो गाने सुनना हराम है, लेकिन बस गाने ऐसे हैं जो आपको इस्लाम से निकाल देते हैं, इस्लाम से खारिज कर देते हैं, और उनकी वजह से निकाह भी टूट जाता है, बीवी से दोबारा निकाह करना पड़ेगा। जब तक दोबारा निकाह हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा बीवी से ताल्लुक और जायज नहीं है, जो बच्चे पैदा होंगे वो भी जायज शुमार नहीं होंगे। मैं आज आपको वही गाने बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर एक गाना है कि कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अब फुर्सत का लफ्ज के अल्लाह के लिए बोलना यह हकीकत में कुफर है, यह जायज नहीं है। और दूसरा एक गाना है, मैं प्यार का पुजारी मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार का पुजारी मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही मुझे सुंदर यार चाहिए। अब देखें प्यार का पुजारी, इसमें दो कुफर है, एक प्यार का पुजारी है प्यार की पूजा करता है जो रब के अलावा है प्यार, और दूसरा रब जैसा सुंदर चाहिए, और कुरान तो कहता है लैसा कमिस्लिही शय, उस जैसा कोई नहीं है। तो ये दो कुफर हैं इस शेर के अंदर कि जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। अब देख लें इसमें कि इसमें जो है ये कह रहा है कि रब भी दीवाना लगता है, तो ये सरासर कुफर है। और इस तरह का जो कलिमात गाना कहेगा और जो खुश होकर सुनेगा वो भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक और गाना है कि हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, हर दुख को है गले लगाया, हर मुश्किल में साथ निभाया, उसकी मैं क्या तारीफ करूं जिसे रब ने फुर्सत में बनाया। अब यहां पर भी फुर्सत, मुशक्कत, टाइम निकालना, ये इन चीजों, ये अल्लाह के लिए चीजें बोलना, ये जो है ये हराम है, और बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाता है, बीवी से निकाह भी उसका टूट जाता है। एक और गाना है कि मेरी निगाह में आप क्या बन के रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के रहते हैं।